भारत के स्टार बल्लेबाज हुए चोटिल, क्या भारत के लिए बन सकता है परेशानी का विषय। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी और मैं हूं आपके साथ अंजलि। दुनिया के नंबर एक T20 बल्लेबाज यानी सूर्य कुमार यादव मंडे को चोटिल हो गए। ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई, जिसने टीम इंडिया की चिंताएं काफी बढ़ा दी थी। दरअसल बीते दिन भारतीय टीम ने बारबाडोस के ब्रिजटाउन में ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत की। इस दौरान स्टार बल्लेबाज को नेट पर बल्लेबाजी करते समय हाथ पर चोट लग गई, जिसके बाद फिजियो पहुंचे और उन्हें प्राइमरी इलाज दिया गया। इसके बाद स्टार खिलाड़ी ने एक बार फिर से बल्लेबाजी की। भारत गुरुवार को बारबाडोस में अपने पहले सुपर 8 मैच में अफगानिस्तान से भिड़ेगा। यह 2007 के चैंपियन के लिए कैरिबिया में पहला मैच होगा। दरअसल टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने सभी मैच अमेरिका में खेले थे। भारत ने न्यूयॉर्क में 3 मैच खेले, जबकि शनिवार को फ्लोरिडा में कनाडा के खिलाफ उनका आखिरी मैच बारिश के कारण धुल गया, जिसकी वजह से भारत को अपनी प्लेइंग 11 के साथ प्रयोग करने का मौका नहीं मिला। सुपर 8 की 8 टीमें तय हो चुकी हैं। 19 जून से सुपर 8 राउंड की शुरुआत हो जाएगी। 20 टीमें इस विश्व कप में खेलने उतरी थी, जिन्हें 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सुपर 8 में पहुंची हैं। इनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड और बांग्लादेश शामिल हैं। इंडियन टीम मैनेजमेंट ने मौजूदा टूर्नामेंट में विराट कोहली को कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि अभी के 3 मुकाबलों में ये जोड़ी कुछ खास नहीं कर पाई है। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इस टूर्नामेंट में केवल 5 रन ही बना पाए हैं और अभी तक उनका बल्ला कुछ खास नहीं बोला है। और वहीं दूसरी ओर नजर डालें तो कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला भी सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ ही चला है, लेकिन भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में अनडिफीटेड रही है। अब देखना ये होगा कि भारतीय टीम आने वाले मुकाबलों में इसी ओपनिंग जोड़ी के साथ जाना पसंद करेगी या फिर कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उन्हें चोट लगने के तुरंत बाद ही उन्हें इलाज दे दिया गया था, जिसके बाद वो फिर बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आए थे। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।